प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय राय और मैं अनअकैडमी प्लस पे इंडियन हिस्ट्री एंड इन पॉलिटी की फैकल्टी हूं। और आज हमारे बीच है विजय विक्रम सिंह। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सन 2018 की परीक्षा में फाइनल चयन प्राप्त किया है। आपका चयन कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में हुआ है, सीटीओ कहते हैं इसे हम लोग। हम लोग आज बात करेंगे कि अमूमन इस परीक्षा में हर साल 8 लाख लोग, मिनिमम 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सीटें कितनी होती है, कभी 300 कभी 400, अधिकतम जो सीटें होती है 800-900 सीटें होती है, कितनी सीटें होती है अधिकतम? तो 800-900 सीटों में या 300-400 सीटों में अपनी जगह बनाना, अपनी फाइनल पोजीशन को डिक्लेयर करना या होल्ड करना कितना मुश्किल रहता है। ये जो सफर होता है बच्चों का सिविल सेवा की तैयारी का, ये सफर कैसा रहता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए और कैसे आपने उन 8 लाख लोगों को पीछे छोड़ते हुए इस रेस में अपनी जगह बनाई है, तो आइए हम लोग बात करते हैं विजय विक्रम सिंह से। विजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनअकैडमी परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो विजय जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे बच्चों को कि आपने कब सोचा, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहां से हुई, क्या बैकग्राउंड है परिवार का, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्योंकि कई बार बच्चों का मन में सवाल होता है कि क्या सर ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा कर सकता है, क्या शहरी पृष्ठभूमि का बच्चा कर सकता है, तो कुछ अपने बारे में पहले बताइए, फिर मैं आगे चर्चा करेंगे। जी बताइए। मेरा नाम विजय विक्रम सिंह है। 2018 की टीसीएस परीक्षा में सीटीओ पद पर मेरा चयन हुआ है और मेरी स्कूलिंग ऐसा की सर ने पूछा वो लखनऊ से ही हुई है और मूलतः मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने अपनी स्नातक और परास्नातक की परीक्षा पास की है। और क्या विषय रहा आपका स्नातक और परास्नातक में? सर दोनों में सर मुख्य मेरा विषय राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा है। क्योंकि मैंने सर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर पढ़ाई की है इसलिए मैंने उसको अपना विकल्प के रूप में वैकल्पिक विषय इसी को रखा हुआ। तो स्कूलिंग से आपके लखनऊ में थी और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। सर मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे एक बड़े भाई जो कि पुलिस सेवा में ही है और मेरी दो छोटी बहनें भी हैं। और क्योंकि मेरे फादर खुद इस सेवा में रहे हैं इसलिए मुझे मूलतः उन्हीं से प्रेरणा मिली इस सेवा में जाने के लिए। मेरे एक चाचा जी हैं जो कि एसडीएम के पद पर तैनात हैं, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रेरित किया है और इन दोनों से प्रेरणा पाकर मैंने ग्रेजुएशन के समय ही तय कर लिया था कि कहीं ना कहीं मुझे जो अपना विकल्प चुनना है करियर के रूप में, मैं इसी सेवा में बनाऊंगा। और उसके बाद से मैं इसमें प्रयासरत हूँ और ईश्वर की कृपा से 2018 की परीक्षा में मुझे उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। अच्छा विजय जी, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। खैर आपका तो मूल जो है लखनऊ जैसे महानगर में रहा, आपकी शिक्षा भी, क्या इसमें बहुत ज्यादा असर होता है किसी बैकग्राउंड का? अगर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा तैयारी करना चाहे तो क्या लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों के लिए बहुत मुश्किल ये समस्या है, ये परीक्षा है, या क्या शहर का होना जरूरी है, क्या लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना आवश्यक है, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं और वो मूलतः ग्रामीण पृष्ठभूमि के ही थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसमें अच्छी रैंक सिक्योर की है। तो अगर किसी की ऐसी धारणा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो उसमें उसके लिए बाधा बनेगी तो उसको मैं सही नहीं मानता। ये अलग बात है कि कोई अगर महानगर में रहता तो सुविधाएं से ज्यादा मिल सकती हैं और जो मैटर्स होते हैं उनकी बेटी आसान हो जाती है, लेकिन ये मानना कि उसकी वजह से वो सिलेक्शन में कोई बाधा होगी ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों की विजय जी ने आपको स्पष्टतः कहा कि आपके सिलेक्शन में आपके बहुत ज्यादा बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं होता है। एक और सवाल है मेरा कि क्या जिस बच्चों के पिता सिविल सेवा में है वही बच्चा सफल हो सकते हैं या कोई भी बच्चा सफल हो सकता है? कोई भी बच्चा सफल हो। आप हर बार जब भी परीक्षा का रिजल्ट आता है सर आपने देखा होगा कि उसमें कई ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनके पिताजी खेती किसानी से संबंधित होते हैं, तो अगर उनके बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं तो मेरे ख्याल से किसी कोई भी व्यक्ति ऐसे तो हमारे पास तमाम रिजल्ट होते हैं हर साल कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल होने के बावजूद अपनी मेहनत से, अपनी लगन से या पिता से रिक्शा चलाते थे तब भी सफलता मिली। तो अमूमन एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी सिविल सेवा में हैं और पुलिस सेवा में हैं तो उनका कितना योगदान रहा, क्या आपको वो पढ़ाते वगैरह थे या सारी मेहनत आपने खुद से की है, उनका आपके तैयारी में क्या योगदान रहा इकोनॉमिक के अलावा?
जैसे कि हम जानते हैं पुलिस सेवा एक ऐसी सेवा होती है जो 24 घंटे की सेवा हाँ, होती है, तो सर उसमें ये तो जाहिर सी बात बेदारी समय नहीं दे पाती जितना उनको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रेरित जरूर किया और चूंकि उनके साथ आना जाना होता तो उनसे कुछ अधिकारियों से जब मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं वो चीजें प्रेरित करती थी कि अगर हम सेवा में आएंगे और अगर सही समय पर आ जाते तो एक अच्छे और उनसे पत्र जाने का मौका मिल सकता है। तो प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चीज के लिए मोटिवेशन में काफी हेल्प की। तो मोटिवेशन जरूर रहा है, लेकिन जहां तक तैयारी के विषय में बात करें तो तैयारी तो आपने सब कुछ खुद ही की है, पिताजी के पास तो पढ़ाने का समय नहीं रहता होगा। तो एक जो धारणा रहती है कि हाँ माता पिता बहुत पढ़े लिखे होंगे सिविल सर्वेंट होंगे तभी हम सिविल सर्वेंट बन पाएंगे, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आप इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दें कि आपके सिविल सेवक बनने के लिए आपका सिविल सेवक बैकग्राउंड से होना जरूरी है। ऐसा तमाम रिजल्ट हमारे पास हर साल आते रहते हैं जहां पे ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि माता पिता सिविल सेवा या इस बैकग्राउंड से हो तभी बच्चा सफल हो। तो इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन भी सोच लिया था, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि कब इसकी तैयारी शुरू की जाए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर इसकी तैयारी तो सबसे अच्छा समय जब बच्चे ने अपने इंटर की पढ़ाई पास की और ग्रेजुएशन के समय से शुरू कर दे तो वो सबसे आदर्श समय होता है। शुरुआत कभी भी हो सकती है पर अगर ग्रेजुएशन की तैयारी की जाए तो सफलता के चांसेस जल्दी पास होने के वो बढ़ जाते हैं। वो आपने एक कहावत सुनी होगी जब जागो तभी सवेरा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक रह गया था, एक छोटा सा मेरा सवाल था कि क्या अगर आप दोपहर को 12 बजे जगेंगे तो आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिलेगा? संभवतः नहीं मिलेगा। तो वो अच्छी बात है जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जितनी जल्दी आप इस सेवा को के बारे में सोचेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट में से विजय जी ने कहा कि सबसे अच्छा समय होता है इस सेवा को करने के लिए, इस सेवा में जाने के लिए आपका ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन में एनरोल्ड किया खुद को, तो उस समय ही आपको सोचना होगा कि हमें क्या करना है, हमें सिविल सेवा में जाना है, हमें किसी और सेवा में जाना है, और यही वो आदर्श समय है जहां से बच्चों को अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन था, हम लोग आगे की चर्चा कल करेंगे। आपने सुना विजय विक्रम सिंह को, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, नमस्कार।